मोदी सरकार देश में काली कमाई के तमाम रास्ते बंद करने में जुटी है। यहां तक विदेशों में बैंकों में बंद काले धन को बाहर निकालने के लिए भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। लेकिन देश के अंदर देश को खोखला करने वाले गद्दार भी मौजूद हैं, जो सरकार को लाखों करोड़ों का चूना लगाते हैं फर्जीवाड़े के चलते। पटना पुलिस ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो नकली नोट छापते थे। नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा। गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। स्कैनर, प्रिंटर और पेपर किया बरामद। 100 रुपए का नकली नोट छापते थे अपराधी। पटना में पुलिस ने नकली नोट की छपाई कर बाजार में सप्लाई करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने नकली नोट छापने वाला प्रिंटर, पेपर और स्कैनर बरामद किया है और इसके साथ ही गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कंकड़बाग इलाके में कुछ युवक नकली नोट चलाने का काम कर रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया। युवक ने पूछताछ में अपने 3 साथियों के बारे में भी जानकारी दी। उसकी निशानदेही पर उसके 3 साथियों को हिसुआ से गिरफ्तार कर लिया गया। एक करेंसी के मामले में पटना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 लोग पंडारक के रहने वाले और बाकी 2 लोग तेल्हाड़ा हिलसा के रहने वाले हैं। 2 लोगों को रंगे हाथ जब पकड़ा गया बाजार में फेक करेंसी चलाते हुए, तो पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की। पूछताछ के क्रम में हिलसा में रेड की गई, जहां से एक कलर्ड प्रिंटर बरामद किया गया, जिसमें वो 100-100 के नोट को फेक करेंसी बना के मार्केट में चलाते हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि 2 महीने से लगातार ये जो नोट हैं उनको मार्केट में चलवा रहे हैं और ये धंधा कर रहे हैं। और पूछताछ इनसे की जा रही है कि इनके रैकेट में और कौन कौन शामिल है। नकली नोट छापने के लिए स्कैनर और प्रिंटर का करते थे इस्तेमाल। केवल छापते थे 100 रुपए का नकली नोट। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चलाते थे नकली नोट। ये गिरोह नकली नोट छापने के लिए स्कैनर और कलर प्रिंटर का इस्तेमाल करता था। ये लोग 100 रुपए का नोट ही छापते थे। नोट को पहले स्कैन करते, फिर प्रिंटर से कलर प्रिंट आउट निकाल लेते। नोट चलाने के लिए सभी रात में निकलते थे। असली और स्कैन कर छापे गए नकली नोट में हालांकि काफी अंतर होता है। बावजूद इसके इन्होंने काफी नोट मार्केट में चला दिए थे। ये लोग नोट चलाने के लिए रात में भीड़भाड़ वाली दुकान को चुनते थे। बैंक लूटकांड में पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। कल लगातार हम लोग पीछा करते रहे अपराधियों का और उस डब्बे तक हम लोग पहुंचे जहां पे वो डब्बा फेंका गया था, जिससे जो लूटा गया था, उससे हम लोगों को आगे और सुराग मिले हैं। क्रिमिनल्स के रिट्रीट के बारे में पता लगा है और कुछ अन्य सुराग ऐसे पता लगे हैं जिससे हम लोगों को विश्वास है कि जल्द से जल्द इसका उद्भेदन कर देंगे। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, करीब 4 से 5 लोगों को, और जो उनका बैंक का स्टाफ था उससे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उनका बयान जो है बार बार बदला जा रहा है। नेगलिजेंसी को लेकर हम लोगों ने एक लेटर लिखा है बैंक अथॉरिटीज को, इलाहाबाद बैंक की, कि क्यों उस बैंक की ब्रांच के द्वारा वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया जो बैंक को करना चाहिए। और मैंने जनरल में मीटिंग की है यहाँ पे सब बैंक अथॉरिटीज से, उसमें उनको बोला गया था ये सब। पुलिस को ये कामयाबी ऑपरेशन विश्वास के तहत मिली। हालांकि पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत शराब माफियाओं पर भी शिकंजा कसा और शराब की बड़ी खेप के साथ 4 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही हाल में हुई धनरुआ में इलाहाबाद बैंक वैन में हुई लूट मामले को लेकर पुलिस को काफी लीड मिली है। पटना पुलिस ने इस लूट कांड को चुनौती के रूप में लिया है और जल्द ही इस मामले के खुलासे का दावा किया है। वो सारे रूल्स को वायलेट किया गया, उसमें पहले ही सब लोगों को सूचना दे दी गई कि ये कैश ले जाया जाएगा। उसके बाद बैंक के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए था वो उन्होंने नहीं लगवाया। उसके बाद जो लोकल पुलिस है उसको इन्फॉर्म नहीं किया कि इतनी हैवी डिनोमिनेशन में वो करेंसी लेकर जा रहे हैं। तो इन बिंदुओं पे मेरी चर्चा हुई है और मैं फिर एक मीटिंग करूंगा बैंक वालों से, जिसमें इस चीज़ को इंश्योर करूंगा कि ये भूल उनसे दोबारा ना हो। नकली नोट छापने वाले गिरोह के खुलासे से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है।
फिलहाल पुलिस सभी अपराधियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर इस गिरोह के तार कहां कहां से जुड़े हैं। गुनाह के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।